नाजरीन गरामी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे समंदरी तूफान पर और ये जानने की कोशिश करेंगे कि समंदरी तूफान कितनी कैटेगरीज पर मुश्तमिल होते हैं और कौन सा तूफान कितनी हद तक खतरनाक हो सकता है। हम आपको बताएंगे कि तूफानों की दर्जा बंदी कैसे की जाती है और कौन सा तूफान सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो चलिए आपको तूफानों की कैटेगरीज और उनके नुकसानात के बारे में बताते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको आइंदा भी ऐसी दिलचस्प मालूमात से आगाह करते रहेंगे। तो मैं हूँ मोहम्मद नौमान और आप देख रहे हैं 512 क्रिएटर्स। नाज़रीने गरामी, समंदरी तूफान कुल 5 कैटेगरीज पर मुश्तमिल होते हैं। इनमें पहली कैटेगरी, जिसे माहिरीन कैटेगरी 1 का नाम देते हैं, और ये समंदरी तूफानों की सबसे कम तरीन कैटेगरी होती है। इस कैटेगरी के तूफानों की रफ्तार हदूदन 119 से 153 किलोमीटर फी घंटा से कम होती है। इनकी हवा की रफ्तार भी कम होती है। ये तूफान अमूमन कम तबाही पैदा करते हैं और ज्यादा खतरे का सामना नहीं करवाते, लेकिन इस कैटेगरी के तूफान में भी कमजोर मकानात, दरख्तों और बिजली की तारों को खतरा होता है। अब बात करते हैं कैटेगरी 2 की। तो इस दूसरी कैटेगरी में तूफानों की रफ्तार 154 से 177 किलोमीटर फी घंटा तक होती है। ये तूफान पहले से ज्यादा ताकत रखते हैं। इस तूफान में घरों की छतें और दीवारों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके साथ दरख्तों और बिजली की तारों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इसी तरह कैटेगरी 3 के तूफानों की रफ्तार 178 से 208 किलोमीटर फी घंटा तक होती है। ये तूफान काफी तबाहकुन होता है और इस दर्जे के तूफानों में घरों को काफी नुकसान पहुंचता है। तेज हवाओं की वजह से कच्ची इमारतें गिरने का खतरा होता है, दरख्त जड़ों से उखड़ जाते हैं और तूफानी बारिश की वजह से सैलाब की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। अब बात करते हैं कैटेगरी 4 की। तो इस कैटेगरी के तूफानों की रफ्तार 209 से 251 किलोमीटर फी घंटा तक होती है। ये तूफान बहुत ज्यादा तबाही अपने साथ लाता है। कैटेगरी 4 के तूफान में मजबूत बंदरगाहों को सबसे पहले नुकसान होता है। मकानात जमीन बोस हो जाते हैं, दरख्त उखड़ जाते हैं और बिजली के खम्बे हवा में उड़ जाते हैं। तूफानी बारिश से सैलाब की सूरत हाल से कम 10 किलोमीटर का इलाका का मुतासर होता है। नाजरीने गरामी, अब बात करते हैं कैटेगरी 5 के समंदरी तूफानों की। तो ये कैटेगरी समंदरी तूफानों की सबसे ज्यादा खतरनाक कैटेगरी होती है। इस तूफान में हवा की रफ्तार 252 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा होती है। ये तूफान बहुत ज्यादा तबाही अपने साथ लाता है और अमूमन साहिली इलाकों को बिल्कुल बर्बाद कर देता है। कैटेगरी 5 के तूफानों में बुलंद और बाला इमारतें मिनटों में ढेर हो जाती हैं। हवा दरख्तों, छतों और बिजली के खंभों को उड़ा ले जाती है। तूफानी बारिश से कम 16 किलोमीटर का इलाका बुरी तरह मुतासर हो सकता है। तो नाज़रीने गरामी, ये समंदरी तूफानों की वो 5 कैटेगरीज हैं जिन्हें मुख्तलिफ नामों से दुनिया भर में पुकारा जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आखिर में दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक हमारे इस प्यारे पाकिस्तान को हर मुसीबत से महफूज रखे। अगर आप भी एक पाकिस्तानी हैं तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।